कभी सिंचाई का पानी नहीं था, कभी बिजली पर्याप्त नहीं थी, आज सब कुछ मौजूद है। आज सतना के एक बड़े भूभाग में हम सिंचाई का पानी दे रहे हैं। बरगी की नहर हमारी अब थोड़ा सा काम बचा है, वो भी पूरी हो रही है, और इसके बाद हम 1,59,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई का पानी देंगे। हर घर में नल से जल पहुंचाने की हमारी तैयारी है। 40,000 घरों में हमने नल से जल पहुंचा दिया है। शेष घरों में बहुत जल्दी इस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग का चारों तरफ से हमने जाल बिछाया है। हमारी जितनी तहसील मुख्यालय हैं, संभाग मुख्य, हमारे विकासखंड मुख्यालय हैं, सबको हमने पक्की सड़कों के साथ जोड़ा है। 500 आबादी के हर गाँव को हमने पक्की 12 माह सड़कों के साथ जोड़ा है। आज सतना शहर एक ऐसा शहर बन रहा है जो स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जा रहा है। 100 शहर देश में, मध्य प्रदेश में 7 शहर और उसमें से एक शहर सतना। विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन हम बनाने जा रहे हैं। 150 सीटों का मेडिकल कॉलेज तैयार हो चुका है, चालू हो चुका है, बच्चों ने एडमिशन ले लिया, डॉक्टर आ गए हैं, प्रोफेसर उनको अध्ययन शिक्षा अध्ययन करा रहे हैं। 700 बेड का हम मल्टी वो एक अस्पताल भी बना रहे हैं, उसमें सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बना रहे हैं, उसकी भी मंजूरी हमारे पास आ चुकी है। आज सतना को चारों तरफ से रिंग रोड से हम जोड़ रहे हैं। वहाँ से झांसी से खजुराहो सड़क 4 लेन बन गया हमारा। चूँकि पन्ना टाइगर सफारी के कारण NOC नहीं मिल पाई थी, अब मिल गई है, तो बमीठा से सतना और उसी में हमारा 12 किलोमीटर शहर के अंदर का एलिवेटर रोड भी शामिल है, वो हम बनाने जा रहे हैं। सतना नदी को हम साबरमती नदी जो गुजरात की है उसकी तर्ज पर उसका हम रिवर फ्रंट बनाएंगे ताकि इसकी गंदगी हमेशा के लिए दूर हो जाए। सतना को महानगर की श्रेणी में हम ले जा रहे हैं। सतना शहर के सभी कॉलोनियों को हमने वैधानिक किया है। अब हम धारणा अधिकार अधिनियम के तहत उनको सबको लीज के पट्टे देंगे और जिनको पात्रता होगी उनको प्रधानमंत्री आवास भी देंगे। सारी सुविधाओं के साथ इस शहर को जोड़ेंगे, यही हमारा चुनाव का उद्देश्य है, यही हम इन्हीं मुद्दों को लेकर हम चुनाव मैदान में। मैं हर ऑफिस से भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा यदि आपको चुना जाता है। निश्चित तौर पर मैं यहाँ से आप सबका आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित तौर पर सतना के अंदर जितने भी ऑफिस होंगे किसी में भी भ्रष्टाचार जैसी कोई भी गतिविधियाँ नहीं चलने दूंगा, ये मेरा घोषणा है। सांसद जी, आपके छोटे भाई रत्नाकर शिवा जी ने एक सवाल उठाया है, इस सांसद जी ने उनको संपत्ति का ब्यौरा दिया है, कई गुना बढ़ा है 20 साल में, उन्होंने इस तरह के सवाल। मैंने अपने जीवन में, मेरे पास कुछ छिपाने के लिए है नहीं, सब कुछ खुली किताब है। कोई को क्या कहना है क्या नहीं कहना ये वो जाने, कैसा असत्य बोलते हैं, मैं तो जो कुछ है मेरे सामने सब कुछ जनता का है। धन्यवाद।